वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम या नकारात्मक प्रभाव। इससे पहले हम एक अलग वीडियो में क्षेत्रवाद का अर्थ, विशेषताएं और क्षेत्रवाद की उत्पत्ति क्यों होती है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमारा ये जो नकारात्मक प्रभाव वाला पोर्शन है ये बच गया था, तो इस वीडियो में हम क्षेत्रवाद के नकारात्मक प्रभाव पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में क्षेत्रवाद की बढ़ती हुई समस्या ने हमारे सामाजिक, आर्थिक तथा राष्ट्रीय विकास को अत्यधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। इस समस्या के प्रमुख दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं कि क्षेत्रवाद के क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। पहला है संकीर्ण नेतृत्व का विकास। क्षेत्रवाद का सबसे आधारभूत दुष्परिणाम ऐसे स्वार्थी नेताओं की संख्या में वृद्धि होना है जो क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं। तो क्षेत्रवाद का सबसे बेसिक दुष्प्रभाव क्या होता है कि इससे ऐसे स्वार्थी नेता उत्पन्न होते हैं जो क्षेत्रीय भावनाओं को भड़का करके अपनी स्वार्थ पूर्ति करते हैं। इनका व्यवसाय ही आंदोलनों एवं प्रदर्शनों को आयोजित करके उस क्षेत्र के निवासियों को गुमराह करना, सरकार पर दबाव डालकर व्यक्तिगत हितों को पूरा करना तथा स्थानीय अधिकारियों को प्रभावित करना होता है। यानी कि जो क्षेत्रीयता के नाम पर जो नेता बनते हैं वे सरकार पर दबाव डालते हैं और स्थानीय अधिकारियों पर दबाव डालते हैं। इससे उस क्षेत्र की प्रगति भविष्य में भी रुक जाती है तथा वहाँ के निवासी रचनात्मक कार्यों से वंचित रह जाते हैं। अब देखते हैं दूसरा दुष्प्रभाव। दूसरा है राष्ट्रीयता के विकास में बाधक। क्षेत्रवाद के कारण देश का प्रत्येक क्षेत्र स्वयं को एक पृथक इकाई मान लेता है। प्रत्येक क्षेत्र के निवासी अधिक से अधिक अधिकारों तथा सुविधाओं की मांग को लेकर एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। धीरे धीरे क्षेत्रवाद के कारण सरकार में लोगों की निष्ठा कम होने लगती है। इससे केंद्र व राज्य सरकारों के बीच संबंध बिगड़ने लगते हैं। व्यवस्था और प्रशासन एक समस्या का रूप ले लेता है। ये सभी परिस्थितियां राष्ट्रीय एकता को चुनौती देकर देश की संपूर्ण प्रगति को अवरुद्ध कर देती हैं। तो दूसरा दुष्प्रभाव क्या हो गया कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीयता के विकास में बाधक बन जाता है, क्योंकि जो अधिकांश राज्य सरकारें होती हैं उनमें क्षेत्रीय दल शामिल होते हैं और वे क्षेत्रीय दल क्षेत्र विशेष की भावनाओं को भड़काकर चुनावों में जीत जाते हैं और उसके बाद में केंद्र सरकार के साथ सहयोग नहीं करते हैं। तीसरा दुष्परिणाम है सामाजिक न्याय के लिए चुनौती। क्षेत्रवाद सामाजिक न्याय के सभी सिद्धांतों का हनन कर देता है। क्षेत्रवाद की भावना न तो व्यक्ति की कुशलता को महत्व देती है और न ही क्षेत्र की आवश्यकता को महत्व देती है। इसका एकमात्र आधार व्यक्ति की कुशलता और प्रतिभा का मूल्यांकन उसकी क्षेत्रीय सदस्यता के आधार पर किया जाता है। यानी कि इसमें यह नहीं देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कितना कुशल है, कितना योग्य है, बल्कि किसी व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण इस बात से होता है कि वह किसी क्षेत्र विशेष में निवास करता है अथवा नहीं करता है।
इस स्थिति में उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण पदों पर कुशल व्यक्ति आसीन नहीं हो पाते। इस प्रकार वह क्षेत्र बौद्धिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने से वंचित रह जाता है। चौथा दुष्परिणाम है क्षेत्रीय तनाव। किसी क्षेत्र के निवासी जब क्षेत्रवाद के आधार पर कुछ विशेष सुविधाओं को प्रदर्शनों तथा आंदोलनों के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तब दूसरे क्षेत्रों में उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त की जाने लगती है। इससे क्षेत्रीय तनावों को बढ़ावा मिलता है। तो चौथा हो गया क्षेत्रीय तनाव। पांचवा दुष्प्रभाव है प्रगति में बाधा। क्षेत्रवाद के परिणाम स्वरूप सरकार को अक्सर उन क्षेत्रों को अधिक सुविधा देनी पड़ती है जहां या तो उनकी आवश्यकता नहीं होती या उन क्षेत्रों की अपेक्षा दूसरे क्षेत्रों में उनकी अधिक आवश्यकता होती है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्र समृद्ध बनते जाते हैं और अनुशासित जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों के जीवन में अभाव की समस्या पैदा हो जाती है, जिसके कारण उन्हें भी प्रदर्शनों और आंदोलनों के लिए बाध्य होना पड़ता है। वास्तव में क्षेत्रवाद साधनों के असंतुलित वितरण तथा आंदोलनकारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देकर सामाजिक प्रगति को अवरुद्ध कर देता है। तो ये हो गया पांचवा दुष्परिणाम। अब देखते हैं छठा। छठा है भाषावाद की समस्या। यदि क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो यह भाषावाद की समस्या को और अधिक गंभीर बनाएगा। इससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संपर्क टूटने लगेगा। क्षेत्रवाद की समस्या सुलझने की बजाय और ज़्यादा उलझ जाएगी। तो ये तो गए क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम। अब हम देखते हैं कि क्षेत्रवाद को दूर करने के क्या समाधान हो सकते हैं या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। तो पहला सुझाव है, सरकार द्वारा नीतियों का निर्धारण राष्ट्रीय हित में हो। यह आवश्यक है कि एक बार राष्ट्रीय नीतियों का विचार पूर्वक निर्धारण हो जाने के बाद क्षेत्रीय दबाव के कारण उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए। तो पहला सुझाव क्या है कि एक बार जब राष्ट्रीय हित के लिए नीतियों का निर्माण हो जाए तो फिर क्षेत्रीय दबावों के कारण उन नीतियों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा है, विकास कार्यक्रमों का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो सके। तीसरा है, क्षेत्रवाद को दूर करने के लिए सभी क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने वाला सामान्य आधार ढूंढना होगा। यह कार्य किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करके किया जा सकता है और इसके साथ साथ हमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी सम्मान देना होगा। चौथा सुझाव है, सांस्कृतिक एकीकरण के प्रयास से भी क्षेत्रवाद की मानसिकता को कम किया जा सकता है। यह कार्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम और क्षेत्रवाद को दूर करने के सुझाव।